अज गो गोजरी प्रोग्राम लेगा सजनों थारो मेज़बान असलम आवान हाजिर है, खलूस परियो सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि तम सारा सजन खैरियत नाल वे। दुआ है कि अल्लाह ताला अपना इस रमज़ान की जितनी भी बरकत ते फैज़ है उन्हों तो भरपूर फैजयाब होने की तौफीक अता फरमावे। ते रमज़ान को बड़ो ताल्लुक सेहत नाल भी है, क्योंकि अज गो प्रोग्राम सेहत को प्रोग्राम है। रमज़ान ते सेहत आपस में बड़ा करीब तो जुड़िया हुआ है। बहरहाल एक चीज़ जी वा हमेशा याद रखने की जरूरत है कि रमज़ान को असल मकसद है वही है जो कुरान पाक ने वाजह तौर पर दस छुड़ियो कि या अय्युहल लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कि ऐ ईमान वालेओ थारे पर रोज़ा इसे तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह पहलियाँ उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, ताजे तम मुत्तकी ते परहेज़गार बन जाए। असल मकसद तक वो परहेज़गारी ते अल्लाह का इस हुक्म ना मनन को है। ते नाल हर अल्लाह ताला का हुक्म ना मनन का मुझ सारा अजाफी फ़ायदा वह। ते कदे कदे हम या कर छोड़ो कि किसी निका मकसद ना जहन में रख गया, कोई काम शुरू करा ते कोई बड़ो मकसद जोड़ा उस तो हम महरूम रह जा। लेकिन जिस वेला किसी बड़ा मकसद ना आदमी जहन में रख गया, कोई काम करा तो निका निका कई मकसद हल होता रहे। जिस तरह जे कदे कोई बेड़ा माँ एक फलदार सोनो बूटो लावे, बड़ी मेहनत ना उसना पाले, ते असल मकसद तो उस कोलों वे मीठा जायकेदार जरा मेवा है वो लेना है। तो उसका नाल अजाफो उस आदमी ना फायदा में यो मिल जाए कि उसका बेड़ा गया छावी हो जाए, उसना कदे कदे लकड़ी का पत्थर भी नाल लग जाए, तो ये नाल अजाफी फायदा लग जाए। लेकिन जे कदे आदमी लकड़ी वास्ते कीकर की डाली बुआ मां ला छोड़े तो एक बड़ा फायदा उस मेवा का तो वो महरूम रह जाए। इसी तरह जिस वेला हम रोज़ो अल्लाह ताला की रज़ा वास्ते रखा तो उसका नाल मुझ सारा हमारी सेहत नाल जुड़िया हुआ फायदा जरा वे हम लभता रहे। तो जे कदे हम यह नीयत रखा ही रोज़ो रखा कि मारा जिसम चो मोटापो या मारो बी पी जो आई वै वो ज़रा काबू में ट्यूबर है, तो फिर हम एक बड़ा मकसद तो महरूम रह गया। इस वास्ते मेरी यह गुजारिश रह गई कि कदे भुल गया भी जहन में यो ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम रोज़ो बगैर अल्लाह की रज़ा तो किसी दूजा मकसद वास्ते रख रहे हैं। बहरहाल या मारा जहन में होनी चाहिए, मारो ईमान और ताज़ा हो जाए उस वेला जिस वेला हमने यो पता लगा कि यो ही रोज़ो जो हम अल्लाह की रज़ा वास्ते रखा लगा वा इस नाल मारियाँ बहुत सारिया बीमारियों को इलाज जो वो हो रहे हैं। मुझ सारी इस तरह की चीज़ जिसम के अंदर साल में इकट्ठी हो जाए कि जड़ी जिसम वास्ते नुकसान देवें, उसको बी पी आई कर छोड़ें, उसका जिसम में चर्बी की मकदार बदा छोड़ें, मोटापो हो जाए, वजन बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ जी रोज़ो रखने नाल काबू में हो जाए। इस पर डॉक्टर साहब नाल मेरी गलबात तो हुई भी है, वह भी उनकी जबानी हूँ तो मैं सुनाऊंगा। प्रोग्राम की शुरुआत एक नाथ शरीफ नाल असलम राई की आवाज़ में। हूँ कद जा मदीना वो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम वो दरबार देखूं। हूँ कद जा मदीना वो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम वो दरबार देखूं। करूं जाग का बागा इरकान पूरा, करूं जाग का बागा इरकान पूरा। ते मस्जिद नवी गावे मीनार देखूं। हूँ कद जा मदीना गो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम गो दरबार देखूं। करूं जान कुर्बान जाली न चुम चुम, करूं जान कुर्बान जाली न चुम चुम। मदीना का बंगला का चमकार देखूं। हूँ कद जा मदीना गो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम गो दरबार देखूं। करूं अर्ज आकावे दरबार जागे, करूं अर्ज आकावे दरबार जागे। ते दुख गम में अपना हाथों सुनागे,
जाए जान रोजाना तक तक है मेरी, जाए जान रोजाना तक तक है मेरी, कद जावे रोजाना एक बार देखूं, कद जा मदीना वो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम वो दरबार देखूं, कद जा मदीना वो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम वो दरबार देखूं, जाता हूं मदीने ते मुड़ गए नया तो सुना कमलिया लाती कुर्बान जातो, जातो मदीने ते मुड़ गए नया तो सुना कमलिया लाती कुर्बान जातो, नजर रेमगी एक जे होती मेरा बल, मदीना को जागे वो बाजार देखूं, कद जा मदीना गो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम गो दरबार देखूं, कद जा मदीना गो बाजार देखूं, शहनशाह दो आलम गो दरबार देखूं, शहनशाह दो आलम गो दरबार देखूं। नाथ शरीफ सुनी तुमने असलम राई की आवाज़ में, तो जिस तरह मैं पहले तुम गुजारिश की कि जड़ो ताल्लुक रोज़ा को सेहत नाल है उसके बारे डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीका नाल दस सकें कि ये मारा रोज़ा जड़ा है जिस्मानी तौर पर आमना के फायदों दें, तो डॉक्टर साहब की ही जबानी सुना। समीन मेरे को इस वे तशरीफ फरमाएं डॉक्टर सलीम भट्टी और डॉक्टर साहब हूँ सब तो पहला तो तमना खुश आमदीद कहूँ अज का इस प्रोग्राम में, ते बड़ी चंगी गल है कि तुम तशरीफ लिया और ऐसा मौका और कि जिस वे थर कुछ सलाह मशवरा राय लेनी जी बहुत जरूरी थी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब जिस तरह रमज़ान मुबारक को महीनों चल रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ तो इस तरह की है कि जी खुद लोग महसूस करें कि सेहत के नाल जुड़ी भी जी उन्होंने रोज़ा का फायदा भी हो रहा है। असल मकसद तो रोज़ा को वही है कि जो तकवा और परहेजगारी को मकसद है, लेकिन जिस्मानी तौर पर रोज़ा को तुम के दसेंगा कि किस तरह यो मददगार साबित हुआ एक आम आदमी की सेहत वास्ते रोज़ो। जी सब तो पहला थारो शुक्रिया दे, यो जिस तरह तुमने अर्ज कियो कि जिस्मानी तौर पर रोज़ा नाल के बदलाव आवे जी जी, तो इसमें यूँ अर्ज करूँगो कि खासकर जड़ा लोग तंदुरुस्त लोग हैं तो उन्ना को जड़ो जिस वक्त वे रोज़ा रखें उन्ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं पैता क्योंकि उन्ना का सिस्टम सारा ठीक चल रहा है जी जी, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हैं जिन्हों के नाल थोड़ा बदलाव आवे जिसम में और जिस तरह तमना ज़ियाबतीस कहूँगा जो डायबिटीज बड़ा सारा लोग जड़ा है इसमें उन्होंने जानकारी नहीं है कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए जी जी। फिर दिल का अमराज है, मैदा का अमराज है, कुछ लोगों का ऑपरेशन होया में तो फिर कुछ लोगों का जड़ा है यो गुर्दाई बीमारी में जी जी। तो इसमें वक्तन फक्तन आगे जैसा प्रोग्राम चले वो दसूंगा तमना जी। डॉक्टर साहब ये तो वे लोग है ना सारा के जिन्होंने शरीयत ने भी किसी हद तक छूट दी है जो बीमार है सफर में है तो उन्होंने रोज़ा की एक छूट है, जड़ा वे सेहतमंद लोग हैं वे साल बाद रोज़ो रखें उन्होंने जिसम में रोज़ा को के फायदे हुआ जी जी। बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछे और क्योंकि साइंस में नवी नवी तहकीक होती रहे तो इसमें वालों देना चाहूँगा कि एक मारो जापान को साइंसदान है उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिली हुई है इस वास्ते मेडिसिन वास्ते उन्होंने एक तहकीक हुई है कि यो जो हम साल में खासकर यानी उसने मुसलमानों को कहो कि ये रोज़ा रखें इसके नाल बहुत ज़्यादा जड़ा है वे फ़ायदे वे इस तरीके नाल कि मारा जिसम में जड़ा है मुख्तलिफ किस्म का जड़ा है सेल ये बने चमड़ी का सेल अलग गए फिर अंदरूनी जितना मारा ये अज्जा है इन्ना का सेल लग गए फिर इसे तरीके नाल जिस वक्त कुछ लोगों ने तुमने सुने हुआ वो जी फलाना कैंसर हो गया ये तहकीक की गई है कि जड़ा लोग वक्तन फक्तन रोज़ा रखें
और खास कर ये जड़ा महीना का पूरा रोज़ा रखा इसमें मारो जिसम के करे कि ये जड़ा सेल ने खास कर मोटापा का सेल ये कैंसर सेल तो हमारी बॉडी उन्हें ना खुद ही खाणो शुरू हो जाए तो गोया कि वे जड़ा सेल जड़ा मारा वास्ते नुकसानदेह साबित हुए हैं वह मारो जिसम जो अंदरों अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुई है ये सेल जड़ा है वे खा जाए। एक और चीज़ भी इसमें देहूँ तमना दसूँगा कि बड़ा सारा लोग जड़ा है वे खुद अपना अपना महसूस करने लग जाए अगर कोई किसी ने मोटापो है किसी ने दिल की जड़े नस जड़ी है वे थोड़ी जी उन्हें में चिकनाई आ गई है उसके नाल फिर ब्लड प्रेशर वह फिर इस तरीके ना ये मैं शुगर को तमना दस्यो ते उसके नाल नाल जिस वक्त ये नस भी खुले क्योंकि खून की रवानगी तेज़ हो जाए और उसके नाल भी जुड़ा हुआ इंसान एक कुदरती जुड़ा हुआ तंदुरुस्ती महसूस करने लगा ते बाकी ये जिस तरह मैं तमना बीमारियाँ को और दस्य है इसका बारे में आगे फिर गल करांगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक नौजवाना में और खासकर बहुत सारा इस तरह का लोग हैं कि जिन्हें में एक यो वहम पाया जाए कि रोज़ा का नाल पता नहीं मेरा जिसम में कमजोरी इस तरह की आ जाएगी जी बाद में ठीक ही नहीं हो सें रिकवर होने काबिल ही नहीं हो सें तो रोज़ा का नाल क्योंकि इंसान ना सवेरे तो शाम तक खाण पीन बंद करने के नाल जिसम में कोई ना कोई तब्दीली तो लगे ते तम वैसे डॉक्टर के कहेगा कि या जी थोड़ी बहुत उन्होंने तंगी तकलीफ है या किस तरह नुकसानदेह नहीं बल्कि नफा बख्श है। जी जी बहुत अच्छा सवाल है और इसमें देखो कि अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया भी है कि हर जड़ो वह मारो अज्जा उसने एक कम दे दिता है कि तुमने यो कम करना है दिल को कम है कि मारे जान चलानी है ठीक गुर्दाओं कम है कि जितनी अंदरों वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि जड़ा ना मुफीद या तम उर्दू में के उसना कि वे उसना फिल्टर करे बाहर करे फिर इसे तरीके नाल थाड़ी जड़ी आंतड़ी है उन्हें वो अपनो फंक्शन है दिमाग वो अपनो फंक्शन है उन जड़ी चीज़ भी अमखा या जिसम में जाग है उसना अमखा ग्लूकोज बने इस ग्लूकोज ना मारो हर एक जिसम को सेल जड़ो है इस्तेमाल करे फिर इसे तरीके नाल जड़ो है गुर्दा का अपना कम है इसको जिगर को अपनो कम है हाँ यो ग्लूकोज जो भी तम खाएगा वो जिसम में काटबा दोतो रहे ते जिस वक्त तम रोजो रखेगा क्योंकि हमारी साइंस का मुताबिक यो है 6 घंटा तो ज़्यादा जड़ो है मैदा ना भी खाली नहीं रखना चाहिए और क्योंकि सब तो ज़्यादा जड़ी है तमने ताकत दिमाग ना लोड़ है तो इसे वास्ते तुमने देखे हुआ है कि शुरू का दिन जिस वक्त रोजो अगे अगे जाए शाम तक तमना सुस्ती आ जाए तो फिर नमकियात भी जिसम विचों काटो तारे फिर जड़ा और ये ग्लूकोज भी काटो तो रहे तो इसके नाल जड़ी थोड़ी बहुत कमजोरी आवे वह भी जड़ी है या एनर्जी लेवल जिस नाम का वो हाँ कमजोरी नहीं होती सिर्फ यह है कि तुमने एक में यह कहना चाहिए कि थोड़ा इंसान की जड़ी एनर्जी है वह काट हो जाए और इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब रोजा तो बाद शाम वेला जिस वेला खान पीन को सिलसिला शुरू है अफतारी तो बाद बहुत सारी चीज़ इस तरह की है कि जड़ी इंसान ना पता नहीं होती क्योंकि तैड़ियाँ भुखा दिसा जिस वेला मसा मैदा ने कुछ लाणी या साणी की भी वह उस तो बाद उसने जिस वेला भुखा या तसाया इंसान शुरू करे तो खाण में एहतियात करने की भी जरूरत है वे किस किस्म की एहतियात जड़ी वे अफतार के वक्त करनी जरूरी है वरना इंसान का नुकसान हो सके। जी जी ये तो जड़ा हमारा डाइटिशियन में वे तो इसका बारे में कोई ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सके लेकिन फिर भी जितना मेरा पतो है उन तम कोशिश करूँगा कि दरअसल जिस वक्त योदे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिता गया है कि खजूर जड़ी है गजा उसके नाल और अफतार करो अगर वो नहीं मिलता तो पानी तो ये दो जड़ी चीज़ें ने ये तो अफतारी का टाइम दे ये मस्ट होनी चाहिए नहीं इससे के नाल जड़ो है अफतारी करनी चाहिए फिर उसके नाल जड़ो है कोई निज़ाम ही मारो ऐसो अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि तुम इफ्तारी करें उसके नाल उसके कोई उसना पसंद वह जड़ो भी फ्रूट तो वो खा सके लेकिन ये ज़्यादातर हम लोग किया करा कि केलो भी कट लियो अमरूद भी कट लियो आम भी कट लियो तो वो फिर सारी जगह हाथ मारता रहा फिर अक्सर या लोग कहेंगे जी पेट खराब हो गयो तो इस वास्ते जड़ो भी तुम फ्रूट खाएं दो होना चाहिए उस तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर उसका नाल नाल थारो नमाज को टाइम आ जाए फिर नमाज पढ़ गए लोग कुछ लोग उससे वक्त खाना खा लें कुछ बाद में तो वो वक्फ वो भी आ जाए लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि जड़ी भी थारा घर में जड़ी चीज़ बनी हुई है वह सब्जियाँ अगर कोई लोग ज़्यादा दो त्रै सब्जी बना लें तो
जितनी सादगी रखी जाए इतनी अच्छी है जी। डॉक्टर साहब तैड़ी की जड़ी पुख्ती से बर्दाश्त करें लोग ते शाम बेला कुछ लोग जड़ा है वो उस पर तन वस लाग है वह तैड़ी की कमी जड़ी है वह खाण पीन में भी पूरी कर छोड़े जिसकी वजह तो तुमने आप ही दस्यो कि लोगों की शिकायत यह है कि मैदा खराब हो गया तो मैदा ने थोड़ा जो महफूज रखने वास्ते की एहतियात बरतनी है अफतार तो बाद जी जी। यो दरअसल के वह कि पेट दिन खाली रहे जी तो अक्सर ऐसा देखियो जै के जड़ी भी थारी गजा यानी उसने हम स्टेपल डाइट का मतलब थारी जिस भी तम एरिया गए तो जिसरा मारेंगा ज्यादा इलाका ही हाँ तो लस्सी रोटी है चोपड़ी भी उसके नाल सब्जी वो फिर जिसरा तम मैदा ना ट्रेनिंग देंगा वह उससे तरीका नाल मैदो जड़ो है वह चीज उसने जड़ो है एक्सेप्ट करे और ज्यादा जड़ी है उन लोगों वास्ते कहूंगो कि जिन्होंने मैदा को कोई अल्सर हो जाए या कोई खराश लग जाए उन्हें वास्ते परहेज यह है कि ये जिसरा ज्यादा मसाला ज्यादा मिर्ची ज्यादा खट्टी चीज ये नहीं खानी उन्होंने लाइट जड़ी है जड़ी उन्होंने अच्छा तरीके हजम भी हो जाए जिसम इसमें मैदा में भारीपन ना लगे तो उस तरीके कर लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब जी तक सैरी को तलक है सरगी खाता भी कुछ लोग जड़ा है वे इस चीज ना मद्दे नजर रख है सरगी ज्यादा तो ज्यादा खाने की कोशिश करें कि तैड़ी पूरी हो खाणो पीना कुछ भी नहीं तो जरूरत के मुताबिक ही खाने चाहिए या थोड़े जो अजाफी जो आम खाने की कोशिश करा उसके नाल कोई डॉक्टरी एतबार ना नुकसान है जी जी। हूँ यानी कि यह साइंस मारी तो जो मजहब है ये जुड़िया भी है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिता गया है कि अगर तुमने त्रै रोटी की जरूरत है तो दो रोटी खाओ यानी भुख रख है खाओ जी जी। और उसके नाल हमने खुद भी हूँ मेरी भी जड़ी इतनी उम्र माशाल्लाह 50 तक हो गई है हम भी यही महसूस करा कि और डॉक्टरी अंदाज वो या उसके नाल भी यही वो कहना चाहूँगा हर एक जड़ा भी सामीन सुन रहे हैं कि हमेशा भुख रख है खाओ अगर त्रै रोटी भुख है तो दो खाओ तमना यो भी हर एक इंसान ना खुद ना पतो वे कि मेरे केड़ी गजा जड़ी है वह मैदा में नुकसान नहीं देन लगी जी जी। और मेरा दिन अच्छो गुजरा वो तो उस तरीके नाल कर लें क्योंकि यो टॉपिक जो है बड़ो लम्बो है तो हम ना वक्त को भी थोड़ा जो ख्याल रखता भी है जी जी जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ जी वह थारे को पूछनी हो बहुत जरूरी महसूस करो कि कुछ लोग जड़ा है उन्होंने एक आदत में शामिल हुआ कि पानी घट भी है और रमजान की वजह तो पानी की और कमी महसूस हो जाए और इंसान की तबीयत कुछ इस हिसाब की वह कि अगर इंसान पानी घट तो घट पी तो रहा तो उसने फिर पानी पर तबीयत भी नहीं आती जी। वे लोग जड़ा तैड़ी रोजो रखे और फिर अफतार तो बाद भी जरूरत के मुताबिक पानी नहीं पीता उन्होंने वास्ते थारो के कहना हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि हम हस्पताल में जिस वक्त वहाँ और खासकर इमरजेंसी में इस तरह का मरीज बड़ा आम है कि मेरी बखिया ना दर्द हो गया है उन बखिया ना इस वास्ते और खासकर जी मारी भेन है बच्ची हैं उन्होंने ये तकलीफ ज्यादा वे और वो इससे वास्ते कि पानी काट पिए हूँ गुर्दा ना भी पानी की क्योंकि उससे ने जड़ी है यो जड़ी बीमारी है नुकसानदेह चीज है जड़ी बाहर करनी है जी जी। तो गुर्दा ना भी पानी की जरूरत वे तो इस वास्ते कम वैसे भी दिन में जड़ो है यो क्यों क्यों है कि दो तो त्रै लीटर पानी पीना चाहिए हूँ चूंकि दिन ने तम पी नहीं सकता तो इस वास्ते कोशिश यह करनी चाहिए कि हूँ इतना कह सकूँ कि पाँच तो छः गिलास पानी का जड़ा है वे तमना जरूर पीना चाहिए उसके नाल यह है कि फिर गुर्दा की जड़ी है इन्फेक्शन भी नहीं होती फिर तमना पेशाब में जलन नहीं होती फिर बखिया में नहीं दर्द हो तो और फिर थारी जड़ो है जिसम में पानी को भी रहना जड़ो है बड़ो जरूरी वह फिर अगर पानी काट हो जाएगा तो तम अस्पताल पूछ जाएगा उसने हम का डिहाइड्रेशन यानी कि जिसम में पानी की कमी तो इस वास्ते पाँच तो छः गिलास अगर ज़्यादा नहीं पी सकता इतना पी लेना चाहिए। डॉक्टर साहब उन लोगों वास्ते तो तुमने एक पहले एक पैगाम अपना दे भी छोड़े उन्होंने जानकारी कि कुछ लोग जड़ा हैं वे शरीयत ने भी इस रोज़ा का हुक्म तो मुबर्रा रखे हैं जिस तरह कोई इतना बीमार है कि जो रोज़ा रख गया उसका जिसमें कोई नुकसान हुआ या कोई मुसाफिर है वो बाद में उसकी गिनती पूरी करा लेकिन जित तक मरीज को ताल्लुक है कि वे मरीज के जड़ा रोज़ो नहीं रख सकता जी। अगर वे ज़बरदस्ती रोज़ो रखेगा तो उनका जिसम के नुकसान होने का इम्कान है और उन्होंने किस किस बीमारी वाला आदमी ना रोज़ा तो परहेज करनी चाहिए जी जी जी। यो मसला ऐसा है कि जैसा तुमने दसियो कि शरीयत में बड़ी आसानी है जी जी। किसी बंदे ने शुगर हो गया है तो उसने रोज़ा नहीं रखना जी। किसी ना दिल की बीमारी हो गई है उसने रोज़ो नहीं रखना इसी तरीके
किसी ने गुर्दा ही बीमारी हो गई है, उसने रोजा नहीं रखना। डॉक्टर साहब जरूरत महसूस तो नहीं करते कि काय ऐसी गल जी सेहत रोजा का नाल जुड़ी हुई है हमारी इस गलबात में रह गई वह, लेकिन फिर भी तो मैं के पैगाम देना चाहेंगा सारा लोगों ना इस रमजान ते सेहत का हवाला संग जी। यो टॉपिक तो बड़ो लंबो है, लेकिन इसमें यानी कि बड़ी सारी चीज जेन तो निकल भी जे, लेकिन हूँ यही पैगाम देना चाहूँ और यो मेरा वास्ता भी है सब वास्ता है कि जड़ी रोज़ा की ट्रू स्पिरिट है यानी उसको बाकी मासा उर्दू में समझा छोड़ेंगा यानी असल मकसद जड़ो है रोज़ा वो पूरा होना चाहिए, वो जड़ो है थारी इसकी कल्बी दिमागी और रूहानी और जिसम हर एतबार के नाल उसकी जड़ी स्पिरिट जड़ी है वह उसका मुताबिक अगर तुम रोज़ो रखेगा और उसमें चलेगा मेरा ख्याल है वह अल्लाह ताला की थारे वास्ते बहुत बड़ी नियामत है जी। डॉक्टर साहब तुमने अपना कीमती वक्त विचों फुरसत कड़ी बड़ी कीमती चीज़ जी वे समय इन्ना समझाई है थारो बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को तमने तफसीली तौर पर मुझ सारी गल जी है रोज़ा का ताल्लुक नाल हमारी सेहत नाल जुड़िया हुआ मसाइल पर सुन ली है। बहरहाल एक चीज़ हर आदमी ने या जहन में रखनी जरूरी है कि जित रोज़ा की फर्जियत को सख्ती नाल हुक्म है उसका नाल नाल यो हुक्म है कि जरा लोग मरीज वे या सफर में वे इस हुक्म तो उन्होंने किसी हद तक छूट है। ऐसा मरीज के जिन्होंने फिर दोबारा तंदुरुस्त होने का इम्कान नहीं उन्होंने रोजिया को फिदियो देने को हुक्म है तो वे जरा बाद में सेहतमंद होगा रोजो रख सकें वे बाद में गिनती पूरी करें या मुसाफिर वे तो बहरहाल वे लोग जरा किसी खास बीमारी के बीच मुबतला हैं जिसको इस रोज़ा का नाल उसमें इजाफा होने का इम्कान वे शरीयत ने उन्होंने छूट दी है तो बिलाशक उन्होंने रोजो रखने तो यानी परहेज ही करनी चाहिए क्योंकि जित जो काम करने को हुक्म है उसना मीनो अन उसे रा मनन को हुक्म है तो वो मनन में ही सवाब है। तो प्रोग्राम का आखिर में याज सैफ की आवाज़ में एक बैतों को रिकॉर्ड है यो सुन लिया जेठ देवर दिलों तंग दिसे चलो ताए ना सहत जेठानिया का करे रोज नानकम सान डाडो सुबह शाम आल वैरानिया का पोचों कोल ते टोलना खोल दसूं किसा सब सिर वरती कहानिया का खुदा बख्श निमा निमा नम डोलूं वेला याद कर कर मेर बानिया का चढ़ियो आड़ते दुखां का ओ चाड़ हुआ ओ दसे कौन ले के मेरी सार तिन्ना बसे दूर तेरे मगर रूर काते वेगा याद वे कुछ कुछ करार तिन्ना उन क्यों ऐब कसूर तक दूर नसे ओ लड़ लगी थी समझ सतार तिन्ना खुदा बख्श गोली इतनी तारोले मदे लोक कैथो वफादार तिन्ना सवन सुखिया रखना रोल इतनी ओ तुड़े और लख हजार तिन्ना बटो ना लाइए वफादारियां के तोड़े पापियां गुनागार तिन्ना
लेता चढ़ता तोड़ी तेरी अज शोरत ओ चंगो कै सब दुनी से सार तिन्ना खुदा बख्शड़िया तेरी लख चंगी एकाऊ लबी बदकार तिन्ना चढ़ियो पादरो पास जुदाइया ना तन आइया ना उन छोड़ टोला दिलों छोड़ रोसा बैस करा गोसा नाले सच तै कूड़ना दौड़ टोला मेरी सब वे कोली पुला दिल ते ओ कोल अपना चाड़िए तोड़ टोला खुदा बख्श लीला बख्श पुल मेरी सीना नालिया कैसीनू जोड़ टोला जी बैत सुनिया ते इसका नाल गया जगा प्रोग्राम को वेलो मुक्या अपना मेज़बान असलम आवान दियो इजाज़त रब राखो।